सरदार साहब का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बन रहा है। और ये इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि समझने के लिए मैं कहूंगा ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डबल ऊंचा है। आपके हाथ में फोन है, उसको घुमा के देखो, मेड इन चाइना। शर्ट के पीछे मेड इन चाइना, जूते के नीचे मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी जी सरदार पटेल जी की मूर्ति बना रहे हैं गुजरात में, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, बहुत अच्छा काम है, मगर मूर्ति मेड इन चाइना। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सरदार पटेल की प्रतिमा, एक तरफ कहते हैं चाइना मेड, और फिर तुरंत कहते हैं जैसे चाइनीज लोगों के जूतों को लोग देखते हैं। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम, उनकी प्रतिमा, ये चाइना मेड जूतों के साथ करेंगे हम लोग? या चाइना में रोजगार मिलेगा या फिर हिंदुस्तान में रोजगार मिलेगा। और गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बहाने दिए जाते हैं कि भैया अभी हो रहा है, अब होगा, अब होगा, अब होगा, मगर हो नहीं रहा है। देखिए, वैसे तो राहुल जी की आदत बन चुकी है, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द, सरदार पटेल के लिए अपशब्द, आर्मी के लिए खून की दलाली कह के आर्मी के लिए अपशब्द। अपशब्दों से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, बड़ा दिल अवश्य दिखाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। जो सरदार पटेल का फेस मुखारविंद जो होना चाहिए वो नहीं था, हमारे मुताबिक नहीं था। उसमें जो सरदार पटेल की प्रतिभा दिखती नहीं थी। अभी मोदी साहब ने इतना अच्छा काम किया है तो उसमें ये कचास रहे वो अच्छा नहीं है।